सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुना की घटना को लेकर सुबह उच्च स्तरीय आपात बैठक की और इस दौरान गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा, सीएस, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा, घटना में दोषी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उन्होंने कहा, अपराधियों की पहचान हो चुकी है, घटना की पूरी जांच जारी है। घटना में शहादत देने वाले तीनों पुलिसकर्मियों एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम का शहीद का दर्जा देकर उन्हें उनके पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ की सम्मान निधि देने का ऐलान सीएम ने किया है और इसके अलावा एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को तत्काल हटाने का फैसला भी किया गया। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है, एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है, अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है।